क्या चीज कितनी महंगी होगी आज पता चल जाएगा। तब्दीली सरकार आज दूसरा मिनी बजट पेश करने जा रही है। मोबाइल फोन्स महंगे और मोबाइल फोन बैलेंस पर भी टैक्स लगेगा। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियां महंगी होंगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की छूट 12 लाख से कम करने की तजवीज। नॉन फाइलर्स छोटी गाड़ियां खरीद सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का खुसूसी इजलास बुला लिया। इक्तसादी एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। ये बजट ले भी है, फिर भी इनसे ये कंट्रोल नहीं हो सकेगा कि इधर, यानी कि बस कर होगी नहीं या कि इधर इस टाइम पर ऑलरेडी जो महंगाई है, फिर एक बजट लेके आना, ये हमारी समझ से तो बाहर है। मिनी बजट कभी भी अच्छा समर आवाम के लिए नहीं लाता। मिनी बजट कभी भी आवाम के लिए रिलीफ नहीं लाता, ये महंगाई का तूफान लाता है। मिनी बजट से आम आदमी की हालत मजीद पतली होगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद। गरीब को रिलीफ देंगे, हुकूमती ओहदेदारों का इसरार। वफाकी हुकूमत 5 माह में कोई तब्दीली ना ला सकी और अब पाकिस्तानी अवाम पर एक और बम गिराने को तैयार है। 5 माह में दूसरा बजट पेश करके साबित किया कि उनका पहला बजट गलत था। तहरीक इंसाफ को अपनी गलत हिकमत अमली पर नजरसानी करनी चाहिए। मुशीर इत्तेहाद सिंध मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा वफाकी हुकूमत अवाम का एहसास करे, आसान पॉलिसीज बनाए, अवाम को रिलीफ दे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानतों में 14 फरवरी तक तोसी। एजी मजीद को मुकम्मल मेडिकल सहूलियात फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक कार्रवाई से नहीं रोका था, हम दरखास्तों पर फैसला कर रहे थे, जज के रिमार्क। सिंध हाई कोर्ट में सानह चकरा गोट केस की समाअत। अदालत का गवाहों को हर हाल में पेश करने का हुक्म। जख्मियों की तादाद से लाइल्मी पर अदालत का आईजी सिंध कलीम इमाम पर बरहमी का इजहार। अदालत ने एआईजी लीगल और दीगर को बोलने से रोक दिया। 2011 में चक्रागोट में 7 पुलिस अहलकारों को कत्ल किया गया था। और पाक फजाया का लड़ाका तैयारा बलूचिस्तान में गिरकर तबाह, पायलट शहीद हो गया। पाक फजाया के मुताबिक F7PG तैयारा तरबियती मिशन पर था। हादसे की वजूहत जानने के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील।